यह है मानचित्र। तो अभी है हम यहाँ पर, अभी हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम घूम चुके हैं, अपनी यात्रा हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि इसी के अकॉर्डिंग यात्रा करें। तो यहाँ से हम जाएंगे बादल महल, और इधर कचहरी है हमीर का जो न्यायालय है वो इस तरफ है, और इससे फिर हम जाएंगे पीछे की तरफ से। और यहाँ पर भी द्वार हैं, सात पोल, और एक द्वार और यहाँ पर था जिसका मुझे नाम अभी स्मरण नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर है, और उसके बाद ये यहाँ पर एक, अगर वापस आके और फिर आते हैं गणेश मंदिर, और यहाँ पर इस तरफ भी कोई शिव मंदिर गूगल मैप पर दिखा रहा था। तो यहाँ पर भी एक द्वार है सूरज पोल के नाम से। यहाँ पर एक भवन है जो कि काफ़ी खंडित अवस्था में है। एक थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं, ये एक भवन है काफ़ी खंडित, और ये आर्च डली हुई है। ये क्यों ऊपर ऐसे? ये कुछ टांगने के लिए पर्दा, बिल्कुल पर्दा टांगने के लिए शायद होगा। और यहाँ से इसका प्रवेश है, और पिछली यात्रा में हम यहाँ पर घूम चुके हैं अंदर तक, तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। काफ़ी भूल भुलैया की तरह निर्माण इसका, और यह देखिए, और यहाँ से यह देखिए, यहाँ पर तोप भी लगा सकते हैं, शायद ये तोप के लिए ही होगा। ये यहाँ पर आर्च रही होगी पहले कभी, ये देखिए आर्च की ये अवशेष, जिसका बाद में रिपेयरमेंट कुछ किया गया है कार्य। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर पिछली यात्रा में हम आ चुके हैं ना। मैं तो आया था। आइए, यह देखिए पिछली यात्रा में यहाँ पर सब सूखा सूखा था, और अब बारिश के मौसम में, बरसात में, कितना हरा भरा और मन मनोहर दृश्य। चलिए आगे चलते हैं। वो है कुआ। हाँ, जो एक कुएं का मानचित्र में वर्णन किया गया था वो सामने। चलिए एक बार उधर, चलो कुएं के पास चलो। पहले कुएं को देखते हैं किस तरह का कुआ है। यह है प्राचीन कुआ या कुंड एक तरह से। क्या यह कुआ है या अथवा कुंड है या पानी संग्रह के लिए कुछ है? ये कुआ तो नहीं लग रहा। इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। अगर ये कुआ है तो ये जीवन में पहली बार मैं चतुर्भुज एक कुएं का निर्माण देख रहा हूँ। देखने में तो कुआ ही लग रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो यह देखिए, चलिए आगे चलते हैं। बादल महल, और ASI द्वारा संरक्षित करने के बाद भी
इसकी क्या स्थिति है वो देख सकते हैं कि हम अपनी धरोहरों का कैसा सम्मान करते हैं, कैसा उनका रख रखाव करते हैं। और ऊपर एक छतरी बनी हुई है और इस तरफ कुछ निर्माण है, सामने तीन आर्च हैं, तीन द्वार, और यहाँ पर एक, और यह देखिए कितनी सुंदर आर्च यहाँ पर पत्थरों से बनाई गई है। यह है बादल महल, उसके अंदर ये बादल महल के अंदर भवन बने हुए हैं। छत यहाँ की पूर्णतः खंडित है और केवल अवशेष स्तंभों के, सामने भी वैसा ही निर्माण जैसा उस तरफ था। तो उस तरफ थोड़ा देखते हैं, तो यह देखिए उस तरफ जो पुष्प की आकृति थी, कमल पुष्प की, वो कुछ खंडित थी। तो यहाँ से कितना सुंदर डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है, चित्रकारी जो निर्माण शैली है भवन की। सबसे सुंदर और जो ढलाव की छत है उसके लिए जो की स्टोन का यूज किया जाता है उसी को मध्य में लेकर यह निर्माण किया गया है। और बादल महल से जो बाहर का जो दृश्य है वह अत्यंत ही सुंदर है। और यह देखिए बादल यहाँ से गुजरते हुए उस तरफ भी बादल महल के जो भवन हैं, बादल महल उसका निर्माण, उधर भी चलते हैं। चलिए भवन के अंदर चलते हैं, पहले नीचे चलते हैं। और यहाँ पर भी स्लेब की छत, अंदर चलते आओ। यह देखिए ऊपर जो है वो स्लेब की छत है और इस तरफ लकड़ी की सपोर्ट देकर ऊपर कुछ छत नुमा निर्माण जो कि काफ़ी दयनीय अवस्था में, खंडित अवस्था में, तो गिरने का भी डर है। आगे चलते हैं और यह देखिए छोटे छोटे कितने यहाँ पर आले बोलते हैं जिनको, आर्च बनाई गई है उनकी। और यहाँ से देखने पर बहुत ही सुंदर दृश्य, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक छज्जा जिसको बोलते हैं इस तरह का, और खंडित अवस्था में भी है तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे नीचे देखने की। यहाँ देखिए नीचे दीवार है, छज्जा नहीं है, दीवार है। तो वह देखिए मार्ग उस तरफ से बादल महल, बादलों के बिल्कुल ऊपर बना हुआ, बहुत ही बुद्धिमता से और स्थान का चयन करके इसका निर्माण किया गया है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा संकरा द्वार, छत भी छोटी, ये मिट्टी भर गई बाद में समय के साथ।
इस तरफ की कुछ निर्माण, और यहाँ पर एक काफ़ी लंबी चौड़ी दीवार, और यहाँ से एक द्वार शायद ऊपर की तरफ जाता है, छत की तरफ। आइए, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर और छत से पानी भी टपक रहा है। यह देखिए इसकी छत का दृश्य जब यह अस्तित्व में रही होगी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि छत यहाँ तक थी जो नीचे वाला लेयर है, और उसके बाद जो ये यहाँ पर ये होल बनाए गए हैं, ये शायद छत का पानी निकलने के लिए। थोड़ा सा देखते हैं, बादल महल काफी ऊंची छत बनाई गई है अन्य जो कट्स हैं उनसे, तो अवश्य ही इसके पीछे कोई प्रयोजन रहा होगा। छोटा सा एक भवन है और यहाँ पर एक कक्ष का अवशेष, अंदर भी एक छोटा सा कक्ष। यहाँ से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से कोई द्वार हो, शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। ये दीवार बाद में बनाई गई है, बंद कर की गई है यहाँ से, और यहाँ से वही सुंदर प्रदर्शन है। सीढ़ियाँ बनाई गई है, शायद ये इस छत पर, भवन की छत पर बनाने के लिए बनाई गई हो, जाने के लिए। तो भवन की जो छत है वो है नहीं, और इस तरफ भी एक सीढ़ी है। चलिए इस पर चलते हैं। यहाँ पर नीचे एक छोटा सा कक्ष सीढ़ियों के नीचे, ये भी यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। यह देखिए, यह सामान्यतः यहाँ पर आकर यहाँ बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए शायद बनाया गया है। यहाँ से काफ़ी दूर तक सुंदर परिदृश्य दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। कितना सुंदर निर्माण है, काफी अच्छी निर्माण शैली। छत देखिए आप, शायद ही आपने ऐसी छत कहीं किसी दुर्ग में देखी हो। कितनी भव्य, और यहाँ पर चित्रकारी, खंडित अवस्था में, और वैसे ही जो अर्ध गोलाकार छत और उसके बीच में कॉर्नर पर की स्टोन। और यह देखिए, ये शायद वस्तु रखने के लिए अथवा दीपक रखने के लिए बनाया गया हो।
एक बार छत पे चले। चलिए एक बार उधर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पोस्ट उल्टा भी इस तरह से है, ठीक है, और जो खाली जगह है वो ऐसे सीधा पोस्ट बना रहे हैं तीन पत्तियों वाले। एक बार छत पे चलते हैं फिर से कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी काफी अंधेरा, शंकरा जीना है, सीढ़ियाँ। ये इस भवन की छत, और यहाँ से एक बार आप देखिए यहाँ पे शायद मंदिर रहा था, है ना, लग तो ऐसे ही रहा है। वही स्लैब की छत वैसा ही, और दुर्गंध बैट्स। मंदिर तो नहीं है ये, शायद वैसे ही है। ऊपर वाले उसमें नहीं गए हम, हाँ उसके ऊपर नहीं गए, नीचे वाले में गए थे। यहाँ से आइए, उसकी छत पर चलते हैं। और ये देखिए पूर्णतः खंडित, ये बिना आर्च के, यहाँ पर रिलीवर आर्च होनी चाहिए थी, रिलीवर आर्च नहीं डाली, इसके ऊपर ये सीधा डाल दिया। यहाँ पर ये खंडित हो चुकी है छत, और ये स्लोप यहाँ तक ही आता है। इस छत के ऊपर आने के लिए इसका निर्माण किया गया था। चलिए कोशिश करते हैं धीरे धीरे चलने के लिए। बहुत सुंदर, काफी सावधानी पूर्वक। चलिए चलिए, और यहाँ पर भी चित्रकारी के अवशेष, नीचे से छत देखने पर और उसके ऊपर प्लास्टर किस तरह से डाला गया, स्तंभों पर आकृति। छत लगभग हर जगह से खंडित हो चुकी है, लेकिन लकड़ी काफ़ी जगह काफ़ी सुरक्षित अवस्था में। उस पत्थर के नीचे जगह नहीं है भाई, पत्थर वो जहाँ पे खड़े हो ना वो हवा में है, और क्रैक है उसमें, हाँ ये क्रैक है इसमें। चलिए चलते हैं उधर से ही घूम के जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं इधर से, यहाँ तो आ चुके हैं।
चलिए, ये है बादल महल, काफ़ी सुंदर और बिल्कुल ही उचित और सुंदर स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। दूर दूर तक केवल सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य। चलिए चलते हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ। ये देखिए मजनू की चित्रकारी कितनी सुंदर है ना। जहाँ पर भी जाएंगे अपने अवशेष अवश्य वहाँ पर छोड़ कर आएंगे। ये बाहरी परिदृश्य है बादल महल। आगे चलते हैं हमीर कोट न्यायालय की तरफ।